नमस्कार दोस्तों, टीचर सिंह में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बांकुरा यूनिवर्सिटी। यहाँ एक ह्यूज वैकेंसी निकला है टीचिंग पोजीशन में, नॉन टीचिंग पोजीशन में। और टीचिंग पोजीशन में जो वैकेंसी निकला है, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर का वैकेंसी निकला है। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है बांकुरा यूनिवर्सिटी जो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। और ये सारे के सारे जो वैकेंसी लेटेस्ट अभी अभी आया है, इसको देखने के लिए आपको यहाँ देखिए नोटिस एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सारे के सारे डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगा, लेटेस्ट नोटिस नोटिस। तो यहाँ आप देख सकते हो लेटेस्ट नोटिस में यहाँ स्क्रॉलिंग कर रहा है, न्यू करके एक रेड कलर का ब्लिंक हो रहा है। तो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स, लाइब्रेरियन, एनएसटी एंड अदर्स। तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये है इसका नोटिफिकेशन। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। तो यहां आप देखिए मेंशन किया गया है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजंस इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म्स टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। और ये है आपका जो एप्लीकेशन फी जो देना है आपको, ये लेवल के हिसाब से यहाँ एप्लीकेशन फी मेंशन किया गया है। आप यहाँ देख सकते हो टोटल 6 प्रकार का यहाँ एप्लीकेशन फी आपको देना पड़ेगा और 6 प्रकार का लेवल है। आप लास्ट में यहाँ मेंशन किया गया है, देखिए एकेडमिक लेवल 14, एकेडमिक लेवल 13A, एकेडमिक लेवल 10, देन एकेडमिक लेवल 9 एंड 8 एंड लेवल 5। ठीक है, ये सारे के सारे लेवल के हिसाब से आपको एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा। जैसे कि लेवल 14 के लिए आपको 1500 रुपीज देना पड़ेगा जनरल कैटेगरी को, एंड ओबीसी के लिए आपको देना पड़ेगा 1200 रुपया, एससी एसटी को 1000 रुपया। ठीक इसी प्रकार 13A के लिए आपको देना पड़ेगा 1400 रुपीज, एंड ओबीसी एबी के लिए 1100 रुपया, एंड एससी एसटी के लिए 900 रुपीज। तो इस प्रकार का आप कौन सा लेवल का जो जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक इसी प्रकार आप देखते आप एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। नाउ यहाँ देखिए मेंशन किया गया, डाउनलोड फ्रॉम साल एक्म्पनी विद क्रॉस डीडी बैंक चेक्स। ये इसका मतलब ये बोल रहा है कि आपको एक डीडी करना है या बैंक चेक बनाना है जब आप अप्लाई करोगे। ठीक है, ये बैंक का जो नाम क्या है, यहाँ देखिए मेंशन किया गया है बांकुरा यूनिवर्सिटी पेबुल एट बांकुरा। तो इसी के नाम पर आपको एक डीडी या चेक बनाना है। ठीक है, और इसका जो भेजने का जो प्रोसीजियर है ये कैसा है, आपको हार्ड कॉपी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और कब तक आपको भेजना पड़ेगा, यहाँ देखिए इसका जो लास्ट डेट है यह 5/10/2021 विद इन ऑफिस आवर आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, और एड्रेस जो है, एड्रेस नीचे भी दिया गया है, इसी एड्रेस में आपको भेजना पड़ेगा। बाकी पे स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पूरा मेंशन किया गया है सेक्शन ए के लिए पे स्ट्रक्चर क्या रहेगा। जैसे कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पे स्ट्रक्चर आप यहां देख सकते हो। प्रोफेसर को मिलेगा 1,44,200 करके सैलरी, एसोसिएट प्रोफेसर को मिलेगा 1,31,400 करके सैलरी, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलेगा 57,700 करके मिले सैलरी। तो ये सारे के सारे परमानेंट जॉब के लिए है। अभी वैकेंसी कौन कौन सा डिपार्टमेंट में है, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है बंगाली में एसोसिएट प्रोफेसर का एक वैकेंसी है। आप कैटेगरी देख लेना, आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी के लिए यदि है तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो, स्पेशलाइजेशन ओपन है। ठीक इसी प्रकार केमिस्ट्री में एसोसिएट प्रोफेसर का 2 वैकेंसी है, एक ऑन रिजर्व के लिए, एक ओबीसी के लिए। ठीक है, स्पेशलाइजेशन ओपन है। ठीक इसी प्रकार एजुकेशन में प्रोफेसर का वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर का वैकेंसी है। हिस्ट्री के लिए प्रोफेसर का वैकेंसी है, एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी है। लॉ के लिए एसोसिएट प्रोफेसर का वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी है। मैथमेटिक्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, देन फिजिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर, फिलोसफी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। सोशल वर्क में प्रोफेसर, देन एसोसिएट प्रोफेसर। देन संस्कृत में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। संताली में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। तो इस प्रकार का ये हो गया आपका टीचिंग जॉब। तो आप यहां से देख लेना आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके लिए कुछ पोजीशन ओपन है कि नहीं। देन सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 में आप यहां देख सकते हो लाइब्रेरियन, ये आपका हो गया आपका नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए। ठीक है, लाइब्रेरियन का एक वैकेंसी है। ठीक है, 1 पोस्ट, और इसके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया जो है, कम से कम आपका 55% मार्क्स होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में। ठीक है,
और इसके साथ साथ नंबर टू में यहाँ मेंशन किया गया एटलीस्ट 13 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि आपको एकेडमिक लेवल 14 के हिसाब से आपको 1,44,000 सैलरी मिल रहा है, तो इसलिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, थर्ड में मेंशन किया गया कि एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विस एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पब्लिश्ड वर्क, तो इस प्रकार का कुछ मेंशन किया गया। डिजायरेबल क्या है, यदि आपने एमफिल पीएचडी किया है तो अच्छा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार सेक्शन सी में आप देख सकते हैं मेंशन किया गया सिक्योरिटी टू द वाइस चांसलर, सॉरी सेक्रेटरी टू द वाइस चांसलर। तो वाइस चांसलर का सेक्रेटरी के लिए भी यहाँ एक पोजीशन है जिसको आप सैलरी मिलेगा 37,100 करके, लेवल 9 पे आपको सैलरी मिलेगा और ये अनरिजर्व होना चाहिए 1 पोजीशन के लिए। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मस्ट होल्ड ए ग्रेजुएट डिग्री प्रेफरेबली विद द ऑनर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, शुड बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश विद एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में, शुड हैव एडुकेट स्किल इन द कंप्यूटर ऑपरेशन एज एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। देन नंबर टू में सेक्शन सी में और एक वैकेंसी है, आप यहाँ देख सकते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड टू में। ठीक है, इसका भी जो सैलरी है आप देख सकते हो 35,800 से शुरू हो रहा है, और इसके लिए भी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ मेंशन किया गया ऑनर्स डिग्री से साइंस या प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एज ए लैब असिस्टेंट। ठीक है, एज जो है गवर्नमेंट के हिसाब से। नंबर तीन में यहाँ देखिए मेंशन किया है जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, और इसके लिए आपको जो सैलरी मिलेगा 27,500 करके सैलरी मिलेगा, ये लेवल 5 होगा। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, हायर सेकेंडरी मींस प्लस टू होना चाहिए विथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए और एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन का। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कोर्स है जो 2 महीने 3 महीने का होता है, परंतु यह मेंशन किया गया है कि 6 मंथ का होना चाहिए एज एज पर द गवर्नमेंट रूल। देन सेक्शन डी में आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ मेंशन किया गया है कि यूनिवर्सिटी स्टेट केयर टेकर, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी का जो केयर टेकर होगा इसको 30,000 करके सैलरी मिलेगा और इसके लिए क्वालिफिकेशन किया चाहिए, ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम ग्रेजुएट होना है। देन आप यहाँ देख सकते हैं एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद द मैटर्स अपकीपिंग इन ऑन स्टेट सिक्योरिटी ऑफ द कैंपस, ठीक है, इस प्रकार का मेंशन किया गया है। और आपका जो एज है, एज नॉट बिलो 30 ईयर्स, आपका 30 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का आप देख सकते हो। बाकी सारे के सारे यहाँ रिलैक्सेशन के बारे में मेंशन किया गया है, रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से इसको फॉलो किया जाएगा। बाकी कुछ और आपको जो हार्ड कॉपी भेजना है, यहाँ देखिए हार्ड कॉपी जब आप भेजोगे एप्लीकेशन के ऊपर आपको इस प्रकार का मेंशन करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सा पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके आपका जो एप्लीकेशन जो एनवलप है उसके ऊपर आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इस एड्रेस पे आप भेज सकते हो। बाकी ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करके आपको फिलअप करके इसके साथ जितने भी सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है इसको अटैच करके आपको भेज देना है। तो ये था इसका डिटेल्स, इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो जो भी आप इंटरेस्टेड हो आप इसको देख सकते हो डाउनलोड करके, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ भेज सकते हो। तो ये था डिटेल्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।